पुलिस वाले सारे हो रहे। तो भाई ये बसड़ चल रही है। तो भाई सीन हो गया, पुलिस आ गई थी। यो मेरे जिगर के छतों, कैसे आप सब? और आप देख रहे हैं आपका अपना बम गौरव जोन। भाई आज अपन करने आए हैं एक्सपेरिमेंट। पहले तो हमारे यहाँ लग रहा है मेला, ये देखो दिवाली का, सॉरी, इतना सही लग रहा है। और भाई देखना, पूरी धूल ही धूल आ गई। तो भाई मेरे पास इतने सारे कमेंट आ रहे थे भाई साहब, इतने सारे था। क्या खा रहे हैं? पॉपकॉर्न खा रहे हैं भाई। तो भाई साहब मेरे पे इतने एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं कि तुम पटाखों का बनाओ, पटाखे क्या कर सकते हैं, तो क्या बोलते बनाया जाए। तो हमारे पास पूरी थार भर के हैं पटाखे, और अपन ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जितना किसी ने नहीं करा आज तक यूट्यूब पे मेरी। सबसे पहले अपन ने लिया है लोटा, और ये लोटा फाड़ने वाली मशीन। आ जाओ भाई, पॉपकॉर्न आ रहे हो यार, दो अकेले अकेले खाने। ये हुई ना बात, बात माचिस का भाई ला मार पी रहा हूँ, है ना। तो अपन क्या करेंगे, हम पे ना ये लोटा है गाइस, इस लोटे से अपन इस लोटे को ऐसे करके पहले खोल लेंगे। ये देखो अंदर खाली है, अनार के ऊपर रखेंगे पहले, फिर स्काई शॉट पे, फिर सूतली बम पे, और देखते हैं इस लोटे को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय कौन सा पटाखा कर पाता है, और सबसे ऊपर ही कितना ऊपर तक जा पाता है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर। थैंक यू मेरे भाई, माल पानी का काम आता है। कौन सा करते हैं? दारू, बस, बीड़ी, सिगरेट, ओनली गुटखा, बच्चा कौन सा, गांजा, गांजा तो कमलेश। अच्छा, कोई ऐसा नशा बच्चा जो नहीं करो? नहीं, फेंक मारी है। आगरा मथुरानो, आगरा मथुरानो है, दिल्ली ऐसी ऐसे। तो भाई हम पे हैं पटाखे, तो सबसे पहले अपन क्या फोड़े हैं, सूतली छोटा वाला स्काई शॉट। तो भाई सबसे पहले छोटा वाला स्काई शॉट फोड़ते हैं, और देखते हैं भाई कितना ऊपर तक लेके जाता है अपने लोटे को। तो भाई कितना मजा आया है। ये अभी नाजी से फटा नहीं है, देखो इधर। तो अभी ये नाजी से फटा नहीं है, अभी फटा नहीं, ये तो उधर लग गया, थोड़ा कमजोर रह गए हैं। भाई ये देखो हल्का सा बस एक डेंट आया, बाकी भाई इंटैक्ट। आ जाओ इसके अंदर, अब अनार चलाते हैं, देखते क्या होता है। तो अनार चलाते हैं, हम देखते हैं भाई अनार जलता है कि नहीं जलता। इसके नीचे लगाऊंगा भाई, उड़ेगा थोड़ी ना, क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, छेद नहीं, कुछ कुछ करके ये रह जाएगा। और अपने नीचे लगा लूंगा, फिर दो दौड़ जाओ। बात तो सही है। लगाते हैं फिर भाई अनार के नीचे ही लगाते हैं, फुसफुस करके देखते हैं हम कितना उड़ते हैं। तो भाई तो भाई ये देखो पूरा इसमें छेद हो गया इसकी हीट से, और ये भी पूरा हाथ गर्म हो गया है। इसको लिटा के देखते हैं भाई क्या रिपोर्ट है। तो भाई पूरा सफेद हो गया अंदर तक, ये देखो। तो ये देखो भाई पूरा सफेद हो चुका है, इसमें ताकत है कि नहीं, दब रहा है कि नहीं। तो भाई सीन ऐसा है, हमने कुछ दिन पहले हमने इस ताले को चक्री में रखा था, देखते हैं ये चक्री इसको ना पिघला नहीं भाई। अब देखते हैं, अब जब अपन सूतली बम इसमें रखेंगे तो शायद इस चेन रिएक्शन से सारे जल जाए, तो क्या ये ताला खुलेगा कि नहीं खुलेगा। मम्मी ताला नहीं खुलेगा, लेट्स सी क्या होता है। तो अब इसको जला रहे, देखते हैं भाई ताला इम्पैक्ट से फटता है कि नहीं फटता। बस भाई खुला नहीं है, तब गया पहले का यहाँ से डेंट आ गया। तो भाई चलो नासिक लगाते हैं, बड़ा वाला नासिक। तो अब देखते हैं ये फटता है कि नहीं फटता, बड़ा वाला लगा दिया, अब देखते हैं बड़े वाले नाजी से फटता है कि नहीं फटता। अभी भी नहीं खुला भाई, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा मेरे। इसको रखते हैं साइड फिलहाल अपन,
कुछ और। अब उसके अंदर ये जो हमारी टोकरी है इसके अंदर अपन लगाते हैं। अब ये ड्रोन है बेसिकली, ये होता है ड्रोन। हाँ ये लगाएंगे इसके नीचे, बट पहले आपको दिखाऊंगा ये जलता कैसे। अब देखते हैं जलता कैसे। ऊपर रखना मत, ठीक है? ये तो हवाई जहाज मिनी मिनी तो भाई ऐसा और करके उड़ता है ये, ठीक है? तो अब इसके नीचे लगाएंगे यही बम और देखते हैं इसको ऊपर लेके जा पाता है या नहीं जा पाता। हेलो भाई डाल देना ऊपर से, ठीक है? रुको तो भाई अब सायरन चला रहे हैं, सायरन से देखते हैं इसमें छेद होता है कि नहीं होता, ठीक है? ये सायरन है, तो भाई ये देखो भाई चारों तरफ से जल चुका है और पूरा भाई हीट मार रहा है, देख रहे हो भाई कितना गर्म हो गया भाई। ये भाई माल भर रहा है, माल माचिस खत्म हो गई थी भाई, माचिस तो भाई ये काम किस दिन का हो रहा है। ये तो है बिल्कुल। हाँ मारो 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 जलाओ। तो भाई हमारे मोहल्ले के होनहार लड़के हैं ये सारे। पियो पियो पियो, चूसो जलगी जलगी जलगी। So guys, ये होता है अगर हम इन चीजों के नीचे रखते हैं तो। बट एक बार मेरी दिल की ख्वाहिश नहीं मान रही, ताला फिर से तोड़ के देखते हैं एक सूतली से क्या बोलता है। ताला बना रहे चलो भाई आजा कुनाल चलते आजा। चलो भाई पीछे रख। ओके बाय बाय। भाई पुलिस आ गई चक्कर में। कोई नहीं पुलिस वाले की तो रख लिए सब, ऐसे में काम करते हैं। तो भाई ये देखो पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं सारे, आज चलते हैं। वैसे हमारा तो काम हो गया सारा, है ना? क्या है हमारा? हमारा तो ओके है आपके लिए, क्या खड़े रहेंगे, यही ना बात। तो भैया इतने बड़े बड़े सब्सक्राइबर को मजा आ जाता भाई, भाई हर जगह से बचा लेते मेरे को। थैंक यू भाई, मिलके अच्छा लगा। ओके बाय बाय। तो अभी अपन निकल गए हैं अपना ओला स्कूटर लेके, कुणाल पीछे बैठा है। तो बेसिकली क्या है, मैंने अपनी गाड़ी टियागो ना, मैं मोटा मोटा फटाफट से समझाता हूँ। मैंने अपनी टियागो दी थी जब मैंने खरीदी ना रैप के लिए दी थी। पहले सबसे पहले मैंने मेट पीपीएफ कराया, तो उसके बाद मेरा मन भर गया उससे। तो मैंने क्या करा, रैप कराया, मैंने कलर चेंज कराया। तो जिससे मैंने रैप कराया उसने इतना थर्ड ग्रेड रैप करा कि भाई रैप चारों तरफ से फटने लगा 2 महीने में। और फिर जैसे ही मैंने अभी पीपीएफ के लिए दी, उन्होंने जब रैप उतारा तो उसने मेरा पेंट भी छुड़ा दिया। मैंने पिछले व्लॉग में डाला था, अगर आपने नहीं देखा देखना, उसने मेरा पेंट ही छुड़ा दिया। तो इसलिए मैं ना रैप अवॉइड करता हूँ। मैं आपको भी ये सलाह दूंगा भाई, अब नई गाड़ी लो ना तो रैप मत कराना, क्योंकि रैप की क्वालिटी बहुत थर्ड ग्रेड होती है। कितने ही लोग बोल रहे अच्छा अच्छा है, बट जो पीपीएफ है ना, पीपीएफ जो आपकी पेंट प्रोटेक्शन आपकी गाड़ी की प्रोटेक्शन कर लेती है, वो रैप नहीं कर पाता। तो फिर अभी मैंने टचअप कराया है जहां जहां से जंग लगने का खतरा था, क्योंकि भाई अगर आपका पेंट हटता है गाड़ी से तो जंग सी आ जाती है और वो जंग ना फैलती है पूरी गाड़ी में। तो उसको ना तुरंत से ही करवाना चाहिए, पेंट कराना चाहिए, क्योंकि पेंट से ना जंग नहीं फैलती और जंग रुक जाती है। तो अभी मैंने टचअप कराया है, दोबारा से पीपीएफ कराई है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरी गाड़ी कैसी लग रही है वो देखने के लिए। फाइनली अपन आ गए हैं डिटेलिंग स्ट्रीट। ये जैसा आप देख सकते हो तो भाई मेरी गाड़ी 1-2 दिन में रेडी हो चुकी है। तो देखते हैं क्या काम हुआ है मेरी गाड़ी में। आज हमारे डिटेलिंग स्ट्रीट नोएडा में, तो अभी अपन आ गए हैं। तो ये रहे हमारे भाई, यहाँ रहे आके। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। तो भाई क्या क्या प्रॉब्लम है इस गाड़ी में? प्रॉब्लम जो भी है हमने सारे सॉल्व कर। तो पहले कपड़ा हटाते अपन, देखते हैं कि इसमें क्या काम हुआ है। क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बट यहाँ जैसे आप देख सकते हो डेंट है, लेकिन कोई स्क्रैच नहीं है। देख रहे हो डेंट है बॉडी पे, लेकिन स्क्रैचेस अंदर तक नहीं आते, बस बॉडी पे डेंट आ जाता है भले।
तो इसकी जो शाइन है कब तक रहे? 5 साल तक रहेगी ऐसी भाई, गजब। तो भाई देख रहे हो आप गाड़ी ले ले जो आप इतनी महंगी 10 लाख 20 लाख 50 लाख, बट उनका पेंट ना भाई धूप में खराब हो ही जाता है, चाहे व्हाइट हो चाहे येल्लो। बिल्कुल, तो रेस खराब कर देती है। अच्छा, रेस खराब कर देती है। तो गाड़ी जब निकलती है ना शोरूम से, आप PPF करा लिया करो गाइस, क्योंकि उससे आपका पेंट अच्छा रहता है, गाड़ी शाइन मारती है और सफाई अच्छे से रहती है। इसमें कोई डस्ट आएगी ना तो चुपकेगी नहीं ज्यादा, अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड और डस्ट बहुत कम रहता है। अच्छा, और जो हमारी गाड़ी में स्क्रेचेस थे पहले, उसको कैसे हील करा आपने? पेंट करेक्शन करा है, बट ये देखो फिर भी हल्का फुल्का सा दिखाया। देखो जो चीज नेचुरल होती है वो नेचुरल ही होती है। आपने निकाला था कलर, इसके हमने टचिंग लगाई है। टचिंग, हाँ, जहाँ जहाँ मतलब पेंट निकल चुका था वहाँ पे टचिंग हुई है। जैसे यहाँ पे देखियो, ये देखो भाई, यहाँ भी टचिंग हुई है क्योंकि पेंट निकल चुका था, तो उसमें अपन क्या कर सकते थे। तो ये देखो भाई, यहाँ भी पूरी टचिंग हुई है, यहाँ का भी पेंट निकल गया था। तो क्या है ना भाई, हम खुद इंसान आता है धोता है हॉस्पिटल जाता है, बट हम गाड़ियों की ना ऐसी बेकदरी करते हैं। तो इन पे कभी भी स्क्रैच आए, जंग पकड़े ना, तुरंत पेंट करा लो, हील करा लो, क्योंकि जंग फैलती है गाइस। और ये देखो, इसको ऐसे सजा के रखा करो गाड़ी को, ये हमेशा फिर आपका लंबा साथ देगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी। अब दिखा दो अंदर से कैसी लग रही है हमारी गाड़ी, आ जाओ भाई अंदर आओ। तो अब देखते हैं अंदर से कैसी लग रही है भाई, एकदम ब्रांड न्यू कर दी है गाड़ी। ये देखो पूरी साफ सुथरी चमक रही है पूरी। अच्छा, अंदर से भी कुछ पॉलिश वॉलिश करी है, क्या होता है अंदर की? हमने प्रॉपर डिटेलिंग करी है, डीप क्लीनिंग। अच्छा, डीप क्लीनिंग करी है, एजेस टू एजेस क्लीनिंग रहती है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये देखो भाई, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी गाड़ी कर दी है कि मतलब कहीं भी डस्ट नहीं है। तो मेरे को ना साफ सुथरी गाड़ी रखना बहुत पसंद है। ये देखो भाई, कहीं भी आपको ऐसा नहीं है कोना जहाँ पे डस्ट मिलेगी। क्योंकि भाई मेरे को ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ जा कहीं जा रहे हैं कुछ है, तो दोस्त हमारी गाड़ी में आके बैठते हैं, गाड़ी गंदी हो तो सोचो कैसा लगेगा। तो हमेशा गाड़ी को एकदम चमका के रखो, है ना। तो ये चीज़ है, ये तो है भाई। सो भाई, अभी जो मैंने काम कराया, ये कराया डिटेलिंग स्ट्रीट पे, और यहाँ पे क्या क्या काम होता है और क्यों होता है ये भाई? यहाँ पे PPF होती है, पेंट प्रोटेक्शन के लिए होती है, पेंट प्रोटेक्शन के लिए होती है, ग्रेफिन कोटिंग होती है, सिरेमिक कोटिंग होती है, टैपलॉन कोटिंग होती है, नैनो सिरेमिक कोटिंग होती है, सारा पेंट प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो बाइकों पे भी करते हो? बाइकों पे भी करते हैं, रैप भी करते हैं, बाइक रैप भी करते हैं, गाड़ियों पर भी करते हैं, बाइक से भी। कुल मिला के इनके सारा काम होता है। जैसे मैं सुपर बाइक भी लेने वाला हूँ, मेरी जो आने वाली वो भी आती है, मैं इनपे कराऊंगा। और दूसरी चीज कि भाई यहीं से क्यों कराया? वारंटी गारंटी देते हो? वारंटी गारंटी देते हैं, साथ में मेंटेनेंस भी देते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस हर 6 महीने आपकी मेंटेनेंस भी है, यहाँ से फ्री है। फ्री भाई, ये तो भाई बहुत एपिक बात हो गई। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो स्क्रीन पे फोन नंबर आ रहा हो, इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। भाई देखो, मैं आजकल एक ट्रेंड बता दूँ जो चल रहा है, जो छोटे छोटे नए नए लेवल पे खोल के लोग यूट्यूबर से प्रमोट कराते हैं और काम चलाते हैं, भाई वहाँ से गलती से ही मत कराना। क्योंकि आपने देख ही लिया कि मैंने जैसे रैप हटाया तो मेरा पेंट फट गया, ठीक है। तो ये बहुत मेजर इशू होता है। और नई गाड़ी में आने तो देखो 7-8 लाख की गाड़ी है CNG की, तो मेरे को इतना दर्द हुआ नहीं। और जिसकी फॉर्चूनर है या महंगी गाड़ी है, मर्सिडीज ऑडी है, तो उसको कितना दुख होगा। तो भाई आओ और आप कंपनी विजिट करो, स्क्रीन पे फोन नंबर आए, इनको कॉल करो, अच्छे अच्छे ऑफर्स लो, और मेरा नाम कोई लेके आएगा पक्का 10% कूपन कोड है। तो यहाँ पे आओ, PPF करो। अभी जो लोकेशन है कौन सी जगह है? ये सेक्टर 52 नोएडा में। तो भाई और डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी डिटेल डाल दूंगा, इनकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कार्ड आ रहा है, तो अभी यहाँ पे फोन करके बस नंबर मत मांगना भाई। बस भाई ये रिक्वेस्ट है। तो गाड़ी गाइस मैंने निकाल ली है बाहर, तो अभी चलते हैं और मम्मी का रिएक्शन देखते हैं कि इस गाड़ी पे मम्मी का क्या रिएक्शन होता है और घर वालों का है भाई। तो भाई बिग शाउट आउट टू डिटेलिंग स्ट्रीट भाई, यहाँ आओ, काम कराओ, बहुत बढ़िया काम है, गाड़ी में पूरी जान डाल दी भैया। तो भाई ये रहा पूरा इनका बोर्ड। तो कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? हमारे भाई लाइटों के मार्केट गए थे हम। क्या करने मिली थी? दीपावली की शॉपिंग करने के लाइटों की। तो ये लाइटें लेके आई है, आधी स्कूटी में भी रखी है, घर जाके लगाते हैं। चलो हम यूनिक आ जाओ, यूनिक पटाखे लेके आने आ जाओ। सो गाइस, अभी मम्मी आ गई हमारी, हो रही सामान लेके आई है, दिखा और मम्मी को दिखा दो गाड़ी का रिएक्शन। ब्रांड न्यू लग रही है ना, इधर आओ मुझसे देखो। अभी तो क्या है, डाक में ना मिट्टी आ जाती है, ट्रांसपेरेंट मैंने कभी नहीं कराई ना, कभी गाइस रैप मत कराना, रैप से गाड़ी टट्टी हो जाती है। ये देखो PPF पे एक भी स्क्रैच नहीं है गाड़ी में, ये देखो।
एक भी स्क्रैच नहीं गाड़ी के, है ना। ये गाड़ी अकेले बैन है इस गाड़ी में, इसको जितने भी एक्सीडेंट करे है ना, ये आगे से बिचकाई बिचकाई तो भैया आज तो गजब हो गया भाई, गजब। आज पूरा दिन ना मेरे एक व्लॉग शूट करने में लग गया, वो मैं कल डालूंगा। बट अपन ना पूरी शॉपिंग गाड़ियां भर के आए हैं, डिग्गी भरी हुई है पीछे तक, ये देखो, और ये पटाखों से भरी हुई है भाई। अखिल ये देखो, अखिल की बैठने की जगह नहीं, डिग्गी में ही भरा पड़ा है। सॉरी यार कुणाल भाई, बहुत माल भर के लाए पटाखों का, और वो भी यूनिक यूनिक है। अम्मी और क्या, तो कल देखा, कल वाले ब्लॉग में देखना भाई, ऐसे यूनिक स्टैश वो भी आधे रेट में कहां से मिलेगा, गुड़गांव में से लेके आया हूं मैं। तो कल वाला ब्लॉग देखना, हल्की सी क्लिप ये दिखा देता हूं। और वो सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये लाइक बटन दबाना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जैसे ही इस वीडियो पे 10,000 लाइक होंगे मैं वीडियो ड्रॉप कर दूंगा। गिव अवे भी करना, तो गिव अवे के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, उसके गिव अवे की डिटेल वहां डालूंगा। पटाखे गिव अवे कर रहा हूं, ये मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो।